सनसनी ऑफ इंडिया। एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने करीब 80 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद 24 घंटे के अंदर मुथूट फिनकॉर्प में दिनदहाड़े सनसनीखेज लूट की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड सहित 4 बदमाशों को धर दबोचा है। गैंग का मास्टरमाइंड अनपढ़ और आदतन अपराधी है, यह ज्यादातर दिनदहाड़े डकैती की वारदातों को ही अंजाम देता है। इसे कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन यह अपनी आदत से बाज नहीं आता है। हाल ही में यह मेरठ जेल से बाहर आया था। कुछ दिन पहले इसने पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके के मुथूट फिनकॉर्प में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हथियार दिखाकर ब्रांच में रखे 3,07,00,000 रुपए का सोना लूटने का प्रयास किया था, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने सूझबूझ दिखाकर जेब में रखे सिक्योरिटी रिमोट को चुपके से दबा दिया था। अलार्म बजते ही बदमाश भाग खड़े हुए थे। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान मेरठ निवासी 24 वर्षीय गैंग का मास्टरमाइंड अमीर उर्फ त्यागी, मेरठ निवासी 40 वर्षीय तालिब, खुरेजी खास दिल्ली निवासी सिराजुद्दीन उर्फ सिराज व मथुरा निवासी 21 वर्षीय त्रिपेश कुमार उर्फ परवेश के रूप में हुई है। इनके पास से 3 देशी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 2 लूटे गए मोबाइल व 1 खिलौना पिस्तौल बरामद किए गए हैं। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। बेहद गंभीर मामला होने के चलते राजेश देव डीसीपी क्राइम ने बदमाशों को दबोचने के लिए सुशील कुमार एसीपी एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की सुपरविजन व इंस्पेक्टर अमित प्रकाश के नेतृत्व में एएसआई मनोज, एएसआई प्रमोद, मोहम्मद तालीम, रोहित सोलंकी, हेड कांस्टेबल योहिंदर सिंह, गुरविंदर, तेज प्रताप, सोमेश और कांस्टेबल अनुज की एक क्रैक टीम का गठन किया। 5 जुलाई को सुबह 10:30 बजे हथियारों से लैस 4 बदमाश विकास मार्ग स्थित मुथूट फिनकॉर्प की प्रीत विहार ब्रांच में घुसे। ब्रांच में घुसते ही बदमाशों ने गन पॉइंट पर 56,000 रुपए लूट लिए थे। बदमाशों ने मुथूट फिनकॉर्प के स्ट्रांग रूम में पड़े सोने के सामानों को भी लूटने की कोशिश की। स्ट्रांग रूम में 3,07,00,000 रुपए का सोना रखा हुआ था। इसके बीच अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रांच मैनेजर दीपक ने सूझबूझ दिखाकर जेब में रखे सिक्योरिटी रिमोट को चुपके से दबा दिया था। सिक्योरिटी सिस्टम जोर जोर से बजने लगा, इससे बदमाश घबरा गए और मौके से फरार हो गए थे। इंस्पेक्टर अमित प्रकाश की टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। जिस रूट से बदमाशों के भागने की आशंका थी, जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। क्राइम सीन से करीब 80 किलोमीटर के दायरे में लगे 500 से अधिक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालते जांच टीम बदमाशों की तलाश में मेरठ तक पहुंच गई। तहसील मवाना जिला मेरठ से आगे के सीसीटीवी फुटेजों में बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे, इससे जांच टीम ने अंदाजा लगा लिया कि आरोपी मेरठ की तहसील मवाना में ही कहीं छुपे हुए हैं। टीम ने आरोपियों की पहचान के लिए मेरठ में डेरा डाल लिया। टीम ने मेरठ की तहसील मवाना से दिल्ली आने जाने वाले लोगों पर टेक्निकल सर्विलांस से नजर रखनी शुरू कर दी। 2,500 से अधिक नंबरों के डैम डाटा को स्कैन किया। मेरठ में मुखबिरों का जाल बिछाया। टीम के कुछ सदस्य सादी वर्दी में मेरठ के हर शहर व गांव की हर एक गली में घूम घूम कर आरोपियों को खोजने का प्रयास कर रहे थे। मेरठ में घूमते घूमते टीम के हेड कांस्टेबल योहिंदर सिंह को मुखबिरों से पता चला कि मेरठ की तहसील मवाना का अमीर उर्फ त्यागी नाम का व्यक्ति आदतन अपराधी है और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता रहता है, जो कि हाल ही में जेल से बाहर आया है। इंस्पेक्टर अमित प्रकाश ने सस्पेक्ट अमीर उर्फ त्यागी की जाँच की तो पता चला कि सेम मोडस ऑपरेंडी से इसने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे रखा है। इंस्पेक्टर अमित प्रकाश ने सस्पेक्ट अमीर उर्फ त्यागी के घर छापेमारी की तो पता चला कि वारदात वाले दिन से ही आरोपी अपना मोबाइल बंद करके फरार है। इंस्पेक्टर अमित प्रकाश ने सस्पेक्ट अमीर उर्फ त्यागी को दबोचने के लिए दिल्ली एनसीआर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। दिनांक 7 जुलाई को इंस्पेक्टर अमित प्रकाश की टीम के हेड कांस्टेबल योहिंदर सिंह को मुखबिरों से टिप मिली कि 2 दिन पहले मुथूट फाइनेंस में दिनदहाड़े डकैती में शामिल 2 एक्टिव अपराधी आश्रम चौक से होकर बारापुल्ला फ्लाईओवर के रास्ते एम्स के पास एक और वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मिलती ही इंस्पेक्टर अमित प्रकाश की टीम ने आश्रम चौक से किलोकरी रोड होते हुए गुरुद्वारा बाला साहिब और बारापुल्ला फ्लाईओवर पर चढ़ने वाले लूप पर जाल बिछाया। लगभग 7:40 पर टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने दोनों संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर दोनों संदिग्धों ने बाइक यूटर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने दोनों संदिग्धों को घेर कर दबोच लिया।
पूछताछ में दोनों संदिग्धों की पहचान जिला मेरठ निवासी 24 वर्षीय आमिर उर्फ त्यागी व 40 वर्षीय तालिब के रूप में हुई। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से एक देशी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जांच करने पर आरोपियों के पास से मिली टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल पलवल से चोरी की मिली। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर मुथूट फिनकॉर्प में दिनदहाड़े डकैती डालने की बात कबूल कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने दिनांक 8 जुलाई को वारदात में शामिल सिराजुद्दीन उर्फ सिराज को दिल्ली से दबोच लिया। सिराजुद्दीन के पास से पुलिस टीम को एक देशी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस मिले। सिराजुद्दीन की निशानदेही पर पुलिस टीम ने वारदात में शामिल एक और साथी त्रिपेश कुमार को उसके घर से दबोच लिया। आरोपी त्रिपेश कुमार के पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व वारदात में पहने कपड़ों से भरा एक बैग बरामद हुआ। वारदात का मास्टरमाइंड 24 वर्षीय अमीर उर्फ त्यागी पुत्र उमेद खान मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह एक आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ पहले से ही 11 अपराधी मामले दर्ज है। यह अनपढ़ है और शुरुआत में ड्राइवर के रूप में काम करता था। शुरू में यह कई छोटे मोटे अपराध में शामिल हो गया और कई बार गिरफ्तार भी हुआ। उसके बाद बड़ा हाथ मारने के इरादे से दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देने लगा। हाल ही में यह मेरठ जेल से बाहर आया था। दूसरा आरोपी मेरठ निवासी 40 वर्षीय तालिब पुत्र स्वर्गीय खालिद अनपढ़ है और एक निर्माण साइट पर मजदूर के रूप में काम करता है। यह अच्छा पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहता था और इसके लिए वो सिराजुद्दीन उर्फ सिराज के संपर्क में आया। सिराजुद्दीन उर्फ सिराज ने जल्दी और आसान पैसे के लिए इसे इस अपराध में शामिल होने के लिए राजी किया। इसके खिलाफ पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरा आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ सिराज पुत्र स्वर्गीय जमालुद्दीन खुरेजी खास दिल्ली का रहने वाला है। इसने 5वीं तक पढ़ाई की है। यह शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे हैं। यह बेरोजगार है और अपनी आजीविका कमाने के लिए बकरी का दूध बेचने लगा। जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के लिए उसने बैंक से लूटने की योजना बनाई और इस उद्देश्य के लिए वो पिछले 6 महीने से योजना बना रहा था और 3 आरोपियों को अपने साथ जोड़ा था। चौथा आरोपी त्रिपेश कुमार उर्फ परवेश ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। यह अविवाहित और बेरोजगार है। यह जेल में सिराजुद्दीन के संपर्क में आया था। सिराजुद्दीन ने अपराध में शामिल होने के लिए इससे संपर्क किया था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।